हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वप्निल और जायका स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए आलू के एक ऐसे स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूं जो कि बहुत ही डिलीशियस है और देखने में उतना ही अट्रैक्टिव। आज मैं इसको बिना मशीन के भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टॉर्नेडो बनाने के लिए मैंने ये आलू लिए हैं। जब भी आपको ये बनाना हो, आप कोशिश करिए कि आप लंबे वाले आलू लीजिए, गोल वाले आलू से उतना अच्छा नहीं बनता है। ये मैंने एक स्क्यूअर लिया है, उस स्क्यूअर को हम बिल्कुल बीचों बीच में डाल देंगे। उसके बाद ये है टॉर्नेडो की मशीन। सबसे पहले मैं आपको टॉर्नेडो की मशीन से बनाना सिखा रही हूँ। हम इसको बिल्कुल बीचों बीच में लगाएंगे और हमें इसे बस रोटेट करते जाना है। जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे इसके स्लाइसेस होते जाएंगे और एक स्पाइरल की तरह ये कटता जाएगा। अगर आपको इस टॉर्नेडो मशीन का लिंक चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके इसको अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। मशीन यूज करने से इसके बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस हो जाते हैं, अगर हम हाथ से करते हैं तो वो उतना पतला नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ कोई पार्टी हो तो आप इसको पहले से ही करके रख सकते हैं। आप इसके ऐसे स्पाइरल्स बनाकर रेडी करके रखिए और जब आपके यहाँ गेस्ट आए तो आप बस इसको डीप फ्राई कर दीजिएगा। ये देखिए मेरा एक स्पाइरल बनकर रेडी है। इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आलू बहुत जल्दी काले होते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि इसको पानी में डालकर रखेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको कैसे कट करेंगे। इसके लिए भी मैंने ये लंबे वाले आलू ले लिए हैं और ये मेरे पास बैम्बू स्क्यूअर्स हैं। अगर आपके पास बैम्बू स्क्यूअर्स ना हो तो आप नॉर्मल जो स्टील वाली होती है वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको भी बीचों बीच में डालेंगे। आपको इसको घुमा घुमा के अंदर करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड से भी स्क्यूअर बाहर निकल आई है। अब हम इसको किसी प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और एक नाइफ हाथ में लेंगे और धीरे धीरे आपको आलू को घुमाते जाना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लाइंस आपस में टच नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ आलू को घुमाना है। आपसे जितना पतला हो पाए आप उतनी पतली स्लाइसेस काट सकते हैं। आई होप आप देख सकते हैं कि मैं बस आलू को घुमाती जा रही हूँ और ये जो पतली पतली स्लाइसेस हो रही हैं, ये आपस में टच नहीं कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा टॉर्नेडो जो कि विदाउट मशीन मैंने बनाया है वो भी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक बार ओपन कर लेंगे। आप इसकी सारी लेयर्स को ओपन कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको सेपरेट नहीं करना है, बस इसको घुमा घुमा के थोड़ा ओपन कर लीजिए। आइए अब इसको भी पानी में डाल देते हैं और इसी तरह सारे आलूओं के स्पाइरल्स काट कर रेडी कर लेते हैं।
इसको भी ओपन कर लेंगे। और लीजिए, मेरे सारे स्पाइरल्स बनकर रेडी हैं। अब हम इनके लिए एक स्लरी बनाएंगे जिससे ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने ये 1/4 बोल मैदा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 बोल कॉर्नफ्लावर, जितना मैदा उतना ही कॉर्नफ्लावर। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 टेबलस्पून देगी मिर्च, 1/4 चम्मच नमक और आधा कटोरी पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक पतला बैटर चाहिए जैसे स्लरी होती है। और ये देखिए, हमारी स्लरी बनकर रेडी है। आइए अब इसके लिए एक मसाला बनाकर रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कटोरी ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। और लीजिए, हमारा स्पाइस मिक्स बनकर रेडी है। चलिए अब अपने टोर्नेडो को कोट करके फ्राई करने चलते हैं। हम एक बार अपने स्लरी को फिर से चला लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लावर और मैदा है जो कि नीचे बैठ जाता है। अब हम अपने आलूओं को अच्छे से बैटर से कोट कर देंगे। आपको इसको घुमा घुमा के सब तरफ से बैटर से कोट करना है। उधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक हम इसको कोट करेंगे तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। देखिए, फिलहाल मैंने 2 कोट करके रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करने चलते हैं। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और धीरे से इसमें अपना टोर्नेडो ऐड करेंगे। आपकी कढ़ाई में एक बार में जितने टोर्नेडो आ पाए आप उतने ही डालकर फ्राई करिएगा। मैं फिलहाल एक ही डाल के फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसको अलट पलट कर अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मेरा एक टोर्नेडो फ्राई हो गया है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरह सारे फ्राई करके रेडी कर लेंगे। मेरी सारे टोर्नेडो फ्राई होकर रेडी हैं। चलिए अब इसको ऑयल से निकाल लेते हैं और इनकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने इनको एक प्लेट में रख लिया है। अब सबसे पहले हम इनके ऊपर अपना स्पाइस मिक्स डालेंगे जो हमने बनाकर रेडी किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको मैं सर्विंग डिश में रख ले रही हूँ। अब इसको और डिलीशियस बनाने के लिए मैंने ये थोड़ी सी मेयोनीज ली है जिसको मैंने एक दूध के पैकेट में भर लिया है। उसे मैं ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। और लीजिए, हमारा पोटैटो टोर्नेडो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको इस पोटैटो टोर्नेडो की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।